बिलासपुर की जिला आबकारी टीम ने कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर से आदेश और आबकारी उपायुक्त नीतू नोतानी ठाकुर के निर्देश पर पचपेड़ी थाना क्षेत्र में तीन अलग अलग ठिकानों से छापामार कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में लहान और 100 लीटर कच्ची शराब बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा में SECL के कोयला खदानों में कोयला और कबाड़ की सरेआम लूट हो रही है। रात के अंधेरे में 40 से 50 चोर खदान और साइडिंग में दाखिल होते हैं और वे बिना रोक टोक के कोयला और कबाड़ पार कर बाहर निकाल रहे हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री रजवाड़े दुकानदार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दे रहे हैं कि बिहार से आए हो, बिहार भाग जाओ, मेरे रहते तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, सुबह शाम लात मारूंगा तुम्हें। कवर्धा जिले के ग्राम सनकपाट निवासी 29 वर्षीय महिला सरिता की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त महिला के सास ससुर पति व बच्चे किसी न किसी काम से घर से बाहर गए थे। महिला घर पर अकेली थी। घर के सदस्य जब वापस लौटे तो देखा कि घर में एक कमरे में सरिता खून से लथपथ पड़ी हुई है। परिजनों को मौके पर एक देसी कट्टा भी मिला है। रायपुर शहर में चोरी की दोपहिया वाहन से घूम घूम कर मोबाइल फोन व पर्स छीनने चोरी करने वाले हरियाणा निवासी अंतरराज्यीय आरोपी को रायपुर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों ने कांकेर महाराष्ट्र सीमा पर सड़क निर्माण में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कांकेर इरपानार से महाराष्ट्र गढ़चिरौली के पेंडुगा के बीच सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे। उन्होंने पहले मजदूरों को हटाया और उसके बाद सड़क निर्माण में लगे 9 वाहनों समेत 2 JCB और 1 ग्रेडर वाहन को जला दिया। गाड़ियों को आग लगाने के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। मुंबई पुलिस की टीम ने रायपुर में तेलीबांधा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में मैत्रीपारा स्थित घर में दबिश देकर शहनवाज उर्फ सद्दान समेत 3 शूटरों को दबोचा है। महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर तीनों शूटरों को रायपुर से मुंबई लेकर रवाना हो गई है। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक बार फिर जमकर तांडव मचाया है। माओवादियों ने धारदार हथियार से हमला करके एक गोपनीय सैनिक की हत्या कर दी है। हत्या के बाद गोपनीय सैनिक का शव गंगालूर सड़क पर CRPF कैंप के पास फेंक दिया गया था। राजधानी रायपुर की विधानसभा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अत्यधिक शराब पीने वाले की कार व बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले में मस्तूरी के दर्री निवासी कांग्रेस के जिला सचिव ताकेश्वर पटले के घर 13 जनवरी को आधा दर्जन से अधिक डकैतों के आने की सूचना पुलिस को मिली, जो बंदूक व चाकू की नोक पर 2.5 लाख नगद व 3 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए थे। मामले में आरोपी के पास से 5 मोबाइल, 1 कट्टा, 1 पिस्तल और 5,000 नगद रुपए जब्त किए गए हैं। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना प्रभारी एवं थाना स्टाफ द्वारा ग्राम गनियारी पाली में वाहनों की चेकिंग के दौरान सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर कार में सवार एक व्यक्ति के कब्जे से 40 किलो गांजा जिसकी कीमत 8 लाख रुपए आकी जा रही है, साथ में स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त कर लिया है। राहगीरों से मोबाइल लूट व चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ग्रामपुरी के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों से विभिन्न कंपनियों के 14 नग मोबाइल सेट व घटना में उपयुक्त 2 मोटरसाइकिल को साइबर सेल तकनीकी एवं थाना भखारा की संयुक्त कार्रवाई पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा जिले के बेरला पुलिस ने अवैध रूप से 1100 किलो विस्फोटक पदार्थ एवं 375 लीटर विस्फोटक वायर परिवहन करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। युवक बोलेरो से विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा था, जिसे जब्त कर लिया गया है। जसपुर जिले के तपकरा और कुनकुनी थाना क्षेत्र में
95 किलो गांजा के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपीगण संबलपुर उड़ीसा से गांजा की तस्करी करते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहे थे। बिलासपुर जिले के हिर्री पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुल्हा मोड़ के पास कबाड़ से भरे माजदा ट्रक को रोककर जांच पड़ताल की। माजदा गाड़ी में गाड़ी का पट्टा, नट बोल्ट, गाड़ियों का पुराना पार्ट्स पाया गया। पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार यादव के कब्जे से कबाड़ समेत माजदा को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक बाइक सवार पति पत्नी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक घायल हो गया। पिकअप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की साइबर सेल एवं थाना डीडी नगर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर डीडी नगर क्षेत्र के रायपुर चौक के पास टाटा एस वाहन को पकड़कर उसमें लोड 2,76,000 रुपए कीमत की 48 पेटी गोवा शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भानुप्रतापपुर में कलयुगी बेटे ने मामूली विवाद पर अपनी मां की हत्या कर दी। घर में आए दिन मेहमान आने को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी लहर में पहली बार शनिवार को एक दिन में 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई। जिले में 14 जनवरी से शुरू हुआ मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 19 जनवरी को 3 मरीजों की मौत हुई थी। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक मध्य प्रदेश की अवैध शराब को पल्सर मोटरसाइकिल से मिलन पथरा मार्ग से होते हुए मनेंद्रगढ़ की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर व्यक्ति को पकड़कर उसके कब्जे से 100 पौवा गोवा शराब जब्त किया है। रायगढ़ जिले के कनकबीरा चौकी पुलिस ने ग्राम झील गिटार मेन रोड पर सट्टा खिला रहे युवक को आम जगह पर कागज में सट्टा पट्टी नोट करते पकड़कर उसके पास एक पेपर के विभिन्न प्रकार का सट्टा अंक लिखा हुआ पर्चा सहित 2200 रुपए नगद जब्त किया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने ग्राम चोटी गुंडा जगन्नाथ मंदिर चौक के पास हुई युवक की हत्या मामले में आरोपी संजय मिश्रा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। भिलाई के पारिजात ब्लॉक तालपुरी कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी 4 दुपहिया वाहनों को शुक्रवार की रात में किसी अज्ञात आरोपी ने आग लगा दिया। घटना की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आगजनी की धारा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रायपुर के मोवा थाना पुलिस ने आर्मी के जवान के साथ मारपीट करने वाले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आसिफ अली और अब्दुल शाहिर समेत एक नाबालिग ने मिलकर आर्मी के जवान को घेर कर उसके साथ मारपीट की थी। हाउसिंग बोर्ड में स्थायी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 4 लाख रुपए लिए थे। सिविल लाइन थाने में विनय लाल यादव ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।